बड़ी खबर आ रही है। महेश भट्ट के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात शख्स ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही साथ 50 लाख रुपए फिरौती की मांग भी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। बता दें, फिल्मकार महेश भट्ट के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। अज्ञात शख्स ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी। सुभाष सिरके हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास चलेंगे। सुभाष, पूरी खबर क्या है और क्या कार्रवाई अभी तक इस मामले में? विवेक, ये घटना जो है वो 26 तारीख की है। 26 फरवरी को महेश भट्ट इनको एक फोन कॉल आया था और उसमें उन्होंने, एक कॉलर ने 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की और ये फिरौती न देने पर महेश भट्ट को अपनी पत्नी और उनकी जो बेटी है आलिया भट्ट, इनको गोलियों से भून दिया जाएगा, ऐसा कॉलर ने बताया था। पहले ये महेश भट्ट ने इस बात को हल्के में लिया, उनको लगा कि इसने मजाक किया होगा, लेकिन कॉलर ने फिर एक बार SMS और व्हाट्सअप के जरिए उनको धमकियां दी और कई बार उनको SMS किए। इसके बाद महेश भट्ट ने ये जानकारी उनके लोकल पुलिस स्टेशन जो है खार पुलिस स्टेशन वहाँ पे दी और पुलिस ने ये बात जो है उस पर FIR दर्ज किया है और तहकीकात शुरू की है। मैं आपको बताऊँ, पिछले नवंबर में 2015 में ऐसे ही महेश भट्ट को मारने की साजिश का पर्दाफाश हुआ था और 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था उसमें।